बारहवीं की परीक्षा के ज्योग्राफी का पेपर हुआ शांतिपूर्वक समाप्त। एसडीएम फ्लाइंग ने की प्रशंसा, नकल रहित हैं परीक्षा केंद्र। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। पेश करते हैं आज की खबरें। बहादुरगढ़ शहर में बुधवार को रेलवे रोड पर स्थित गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं कक्षा का ज्योग्राफी का पेपर शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ। वहीं बहादुरगढ़ पुलिस ने भी परीक्षा केंद्र पर भी अव्यवस्था नहीं होने दी। एसडीएम फ्लाइंग में पूजा बंसल ने की स्कूल प्रधानाचार्य रमेश चंद्र शिहमार स्कूल स्टाफ की तारीफ की। कहा, जिले झज्जर के सभी परीक्षा केंद्रों में सबसे शांति बहादुरगढ़ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रेलवे रोड में देखने को मिली है। एसडीएम फ्लाइंग कन्वेयर अनिल कुमार ने भी परीक्षा केंद्र की प्रशंसा भी की। उन्होंने बताया कि यहां की व्यवस्था सभी परीक्षा केंद्रों के मुकाबले ज्यादा अच्छी है और स्टाफ भी अच्छी तरह मैनेज किए हुए हैं और यह एक सराहनीय कार्य है और इसका सारा श्रेय स्कूल प्रधानाचार्य रमेश चंद्र शिहमार को और उनके पूरे स्टाफ को जाता है। स्कूल प्रधानाचार्य ने यह भी बताया कि स्कूल में 12वीं कक्षा के पेपर की मांकन भी चली हुई है जो सीधी हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी बोर्ड की निगरानी में हो रही है, क्योंकि अब की बार बोर्ड के द्वारा स्कूल में सीसीटी कैमरे लगाए गए हैं जो एक अच्छी पहल है। स्कूल प्रधानाचार्य रमेश चंद्र सिहमार ने बताया कि मांकन 12वीं के पेपरों की चल रही है। इसमें 27 टीचरों का स्टाफ लगा हुआ है जिसमें लगभग 30 उत्तर पुस्तिका जांच की जा रही है और बहुत ही शांत विद्यालय में लगभग 200 बच्चे जो है ना वो सीनियर सेकेंडरी के ज्योग्राफी विषय की परीक्षा दे रहे हैं। और शुरू से ही हमारा जो विद्यालय है का सेंटर है, दो सेंटर केंद्र स्थापित किए गए बोर्ड द्वारा, दोनों ही जो है नकल रहित सेंटर जो है ना बड़े शांतिपूर्वक ढंग से, नहीं तो कोई बाहर की गैदरिंग है और ना ही अंदर तो कोई मतलब ही नहीं है। शुरुआत दिन फर्स्ट डे में थोड़ा बहुत दिक्कत आई थी, लेकिन उसके बाद प्रशासन की मदद से और पुलिस फोर्स की मदद से जो है ना बड़ा अच्छा कंट्रोल किया गया है। अब बिल्कुल अमन चैन और शांति से जो है परीक्षाएँ चल रही है और नकल रहित, नकल नाम की कोई चीज़ नहीं है हमारे विद्यालय में। दोनों केंद्रों पर बिल्कुल जो है बड़ी शांतिपूर्वक माहौल में परीक्षाएं चल रही है। एक बात बताया सर, फ्लाइंग आई हुई थी अभी बैठी भी हुई है जी। तो उन्होंने भी आपके स्कूल की प्रशंसा की, खासकर आपकी प्रशंसा की है कि व्यवस्था अच्छी तरह की। देखो जी, ऐसा है कि वो तो सारी मैन टू मैन डिफर करता है, लेकिन मैंने कोशिश की है यहाँ पर कि भाई ऐसी कोई अनियमितता या कोई ऐसी चीटिंग वाली बात ना हो, तो हमने कोशिश की है स्टाफ के सहयोग से, सभी साथियों से, चाहे फ्लाइंग कोई भी आई हो वो उन्होंने यही कहा है कि सर आपका माहौल आपके केंद्र का बिल्कुल ठीक है, आप बखूबी अपनी ईमानदारी से ड्यूटी निभा रहे हैं और मैं भी जो है टाइम टाइम पर जो है केंद्र का निरीक्षण करता हूं और पूछता हूं बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है बेटे, कोई बात है तो बताइए। तो बड़ा स्टाफ भी बड़ा कोऑपरेटिव है मेरे पास, जो कुछ मेरे ही विद्यालय का स्टाफ लगा हुआ है लगभग, तो वो बड़ा जो है ईमानदारी से, वो भी सुपरवाइजर साहिबान भी अपनी ड्यूटी बड़ी ईमानदारी से निभा रहे हैं। सर एक चीज़ और बताएं कि मार्किंग का भी कार्य चला हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, अभी जो है आज मार्किंग का हमारे विद्यालय में दूसरा दिन है। तो 12वीं की सीनियर सेकेंडरी की जो है अंग्रेजी विषय की जो है वो मार्किंग अंकन कार्य चला हुआ है, जिसमें लगभग कल तो हमारा 20 तारीख से स्टार्ट थी जो, तो कल तो 15-15 जो है वो आंसर बुक उत्तर पुस्तिकाएं जो है सभी पर्यवेक्षकों को दी गई थी, एग्जामिनर को। लेकिन आज जो है वो पूरा समय है, क्योंकि कल थोड़ा सा लेट कार्य शुरू हुआ था। आज लगभग 3 ग्रुप है, हमारे 3 हेड एग्जामिनर है और उनकी देखरेख में लगभग जो है वो 10-10 प्राध्यापक लेक्चरर जो है वर्ग के लगे हुए हैं, तो लगभग 30 व्यक्ति जो है वो काम कर रहे हैं। तो एक के 35 के करीब जो है 30 जो है वो है, तो 25 व्यक्ति आज 3-4 व्यक्तियों की जो है हमने एडजस्टमेंट की है, जो बोर्ड द्वारा नहीं किए गए थे उनको हमने यहाँ पर केंद्र पर लगाया गया है। इस परीक्षा केंद्र पर 750 उत्तर पुस्तिकाएँ आज जाँची जाएंगी और आशा करता हूँ कि समय रहते ये जो है अंकन कार्य है, उत्तर पुस्तिकाओं के अंकन का जो कार्य है ये भी समय रहते पूरा करा लिया जाएगा। केवल अंग्रेजी विषय की जो है अंकन कार्य चला हुआ है, बाकी 26 मार्च से जो है वो दूसरे विषयों की परीक्षाएं जो है उनका अंकन कार्य शुरू होगा। अच्छा सर, एक बात बताएं कि सीसीटी नाम बताएं पहले। मेरा नाम पूजा बंसल। तो मैडम ये बताएं कि ये किस में ड्यूटी लगी है? मेरी एसडीएम फ्लाइंग में ड्यूटी लगी है। तो कहाँ कहाँ आपने दौरा किया? मैंने सबसे पहले तो हम मोस्टली यहीं आए हैं। अच्छा, और यहाँ की व्यवस्था तो बहुत ही अच्छी है। अच्छा, खासतौर पे वेस्ट गर्ल्स की और वेस्ट हाई स्कूल की भी व्यवस्था अच्छी है। अच्छा,
क्योंकि बिल्डिंग भी अच्छी है और स्टाफ भी बड़े अच्छे से कॉपरेट करता है नकल रोकने के लिए। और जो गांव वाले स्टेशन हैं जैसे छारा है, नूना माजरा है और परनाला और भी काफ़ी स्टेशन है जो हमारे अंदर है, जैसे खेड़ी, आसोदा, वहाँ पर भी फर्स्ट डे थोड़ी आउटर डिस्टरबेंस थी, लेकिन फर्स्ट डे तो आप भी समझते हैं कि होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो हमने उनको समझाया कि इस तरीके से करने से कुछ नहीं होगा, हम अंदर तो कुछ करने नहीं देंगे, तो वो लोग समझ गए और अब सब कुछ स्मूथली बड़े अच्छे से चल रहा है और परीक्षाएं जो है नकल रहित अच्छे से हो रही है। तो मैडम गवर्नमेंट जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल अब यहाँ प्रांगण में है, ये नकल रहित परीक्षा के अंदर कह सकते हैं कई बार, बिल्कुल कह सकते हैं, तो किसको श्रेय देना चाहिए मैडम? इसका श्रेय मुख्य रूप से तो अनिल कुमार। तो क्या ड्यूटी लगाई है सर बोर्ड द्वारा? मैं कन्वीनर हूँ SDM फ्लाइंग बहादुरगढ़। तो कहाँ कहाँ दौरा किया सर आपने बहादुरगढ़ के अंदर? छारा, आसोदा, नुन्ना माजरा, बहादुरगढ़, परनाला, जसोर खेड़ी, कानोदा। तो सर यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी आपने? आपने घूम के देखा है? एक दो स्कूलों में छोड़ के व्यवस्था बहुत अच्छी है। अच्छा, बहादुरगढ़ में काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। बॉयज स्कूल में, वेस्ट स्कूल में अच्छी व्यवस्था है। पिछले साल परनाला में ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी।